जेश हश्री रात के लिए चॉकलेट मिल्क लेकर आए हैं, तो वे मेरा बेटा पी रहा है। रात के समय खाना पीना हो चुका है, अब बस सोने की तैयारी है, तो थोड़ी बहुत गप्पे सप्पे मार कर सोएंगे। और ये कर रहा है जेश। यहाँ पर मेरा सुबह का दूध आ गया है और ये सूर्य देवता निकल आए हैं और घर की भी पूजा हो गई है। हस्बैंड पूजा करके चले गए हैं और यहाँ पर मेरा दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर ये थोड़े चाय ब्रेकफास्ट अपना बना लिया तो उसे खा कर चले गए हैं हस्बैंड और ये मेरे बेटे हैं। पानी कहाँ से आएंगे? ऐसे पानी कहाँ से आएगा, ये मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, बेडशीट वगैरह धोनी है, तो यहाँ से किचन से वॉल या बाथरूम से लेजम लगा कर ही वॉशिंग मशीन में पानी भरना पड़ता है। और बालकनी तो है लेकिन क्या है कि चलो मैं दिखाती हूँ आपको, चलती जा रही हूँ, इस तरह से कमरे में लेकर जाना पड़ता है, या तो ये बालकनी या बाथरूम के बाद से बाथरूम में गिर जाती है, बोल से मज़ा नहीं आता है। और बाथरूम का दरवाज़ा होता है ना, तो इस तरह से जैसे बालकनी का इस तरह से वो हो जाता है बंद, तो उसी तरह से बाथरूम के फिर निकलने में प्रॉब्लम होती है। ये तो बालकनी है, इधर तक नहीं निकलना पड़ता है। और ये बालकनी है पीछे की साइड की, और यहाँ पर मैंने अपने लेजम से पानी भरा हुआ है। क्या लेजम जम गई है, मतलब ये हो गई थी सो पानी निकलना बंद हो गया था। और ये मेरे बेटे उधर मचाते जा रहे, कपड़े बहुत हो गए थे ऑफिस के, और माँ बेटे के माँ के हम तो अपने साथ के साथ धो देते हैं हम जब नहाती हूँ, लेकिन बच्चे के ज़्यादा हो जाते हैं और इनके ऑफिस के हो जाते हैं, सुन कि चलो सबके कपड़े धो दूँ। और धोना तो कल था लेकिन बच्चे के साथ में परेशान कर देता है, नहा के फिर इनकी लगा लूँ, फिर इनकी चलो अभी आज लगा लेते हैं। मैं इस तरह से अब ये परेशान करने लगता है। और सभी को गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, राम राम। और दोस्तों आप सब कैसे हो, ठीक हो? ठीक ही होने चाहिए और साई की कृपा से सभी ठीक हुए होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और चलो यूट्यूब पर वाले दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्रेम गुप्ता किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज़ साथ दो। और कुछ नहीं, यहाँ पर ये सब होकर बेडशीट वगैरह ये सब दूंगी, फिर ना कराऊंगी तो खाना वाना खाना भी बनाना है, बाकी तो आप सब जानते हो। चलो ये वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, ये कपड़े रखे हैं, बहुत कपड़े धोने को हो जाते हैं सभी, अभी को एक साथ में बेडशीट वगैरह करनी है, एक साथ में ये बेडशीट धोना है, इसको भी निकाली बेडशीट धोना है, उसको भी निकालना है। अभी क्या है कि अभी तो मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँ जब तक पानी वॉशिंग मशीन में भरा जाता है। आगे की साइड भी आप लगा सकते हो लेकिन लगाते नहीं हैं। फिर क्या झाड़ू पोछा भी करना है, यानी कि जब तक वॉशिंग मशीन में काम चलेगा अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। ये फिर रहे, इन्हें टब में नहाना है, ये बाल्टी भरी रखी हुई है, ये नहाएंगे, सबरे काम करने सुबह के ही सारे काम होते हैं, और इसलिए और सुबह सके जल्दबाजी के झाड़ू पोंछा खाना पीना ये सब करना पड़ता है। फिर 12 बजे के बाद थोड़ा मुझे बोरियत सा लगने लगता है, फिर बच्चे को भी पढ़ाना है, फिर उसको फिर उसका टाइम हो जाने खाने पीने का, सोने का, उसको भी सुनाना है, दिन भर पता ही नहीं पड़ता कब दिन निकल जाता है इनका काम करने। अब तो दिन बड़े भी होने लगे हैं, गर्मी भी लगने लगी है। चलो अब ये अपनी कारिस्तानी करें, अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे। यहाँ पर बस मैंने बच्चे को नहला धोला कर उसको तैयार कर दिया है, एक कोल्ड कॉफ़ी बनाई है और पापड़ जो बनाए थे, और सिंपल पोहा बनाया है अभी, उससे बोला कि सब्जी रोटी बना लूँ ब्रेकफास्ट में, तो बोला नहीं मैं पोहे खाना है सिंपल, केवल राई नींबू और सौंफ और केवल इतना ही मसाला डलवाया है। फिर मैं अपने इलाज आलस कर गई हूँ, फिर नीलान में कि मैं भी खा लूँगी, फिर दूध पी रहा है, कोल्ड कॉफ़ी मतलब पी रहा है, और वो नहीं खा रहा है सिंपल, बिल्कुल नमक और नींबू राई जीरा से मैंने सिंपल ना हल्दी बिना ही उपमा जैसा ही बनाया है। आ जाइए आप लोग भी खा लेना,
खान ब्रेकफास्ट, आप फिर बाद में मत बोलना कि आपने मुझसे बोला नहीं, आ जाइए। और मैं अब मैंने भी नहा धो लिया है और अभी देखो बस नहाकर रेडी होकर ये बनाकर अपनी बच्चे को भूख लगाई है। सो कि चलो पहले बोले, मैंने बोला कि चलो मैं वॉशिंग मशीन लगाई थी, तब बोला कि बेटा खाना खा लें, तो के बोलने लगा नहीं मम्मा मैं नहाकर खाऊंगा। इतना भैया से समझदार हो गया मेरा बेटा। चलो फिर खाना पीना के बाद थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं। इनके बलून देखो ऐसे फेंके जाते हैं, इनकी नो इतनी से कारिश्ता नहीं करते हैं। अब ये टबल में बैठते हैं, इनमें नहाते हैं, इसको खचोड़े खचोड़ कर फिर इसमें बैठ कर आपको खुशो सब करवाता है ये तो यार लड़का। चलो दोस्तों वीडियो कैंड करेंगे आज का वीडियो एक तक करता है, वीडियो फिर जल्द बनेंगे नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्रियंका गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रियंका गुप्ता के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और फॉलो भी करना इंस्टाग्राम फेसबुक को और यूट्यूब को। चलो आज का वीडियो यहीं तक करता, बाय।